देखिए, आप 5 साल के बाद आप सब जनता बहुत खुश होंगे कि उनको लगेगा कि हेमा ने कितना अच्छा काम किया है हमारे लिए। विपक्ष है तो थोड़ी अच्छा बोलेंगे मेरे लिए, वो तो खराब ही बोलेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ब्रज में ब्रजवासियों को तीसरी बार सेवा करने का अवसर मुझे राधा रानी और भगवान कृष्ण ने प्रदान किया है, और मैं सेवा करूंगी। मेरा जो अधूरा काम रह गया उसे पूरा करना है, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो लेकर आई हूँ करोड़ों का, उन सब चीज अभी होने वाला है। पहले बार तो सिर्फ रोड्स एंड लाइट्स पानी का किया था, उसके बाद बहुत बड़ा बड़ा काम किया था, फ्लाई ओवर्स एंड अदर थिंग, और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ जो मिलकर बहुत सारे सौंदर्यकरण का काम किया जो कभी नहीं हुआ है। तो योगी जी ने मुझे ये जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद मेरे लिए बनाया है कि मेरी जो इच्छाएं हैं मथुरा के लिए, जो सपना है, वो सब उन्होंने कहा कि इसके थ्रू आप करो सारा काम। तो लखनऊ से सारा सहायता मिलती है, मैं कर पाती हूँ। और अभी इस बार जो है और बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स है, वो सब करना है, तो मेरा रहना जरूरी है, इसके लिए मैं कर रही हूँ। तो अभी फिर देखिए, आप 5 साल के बाद आप सब जनता बहुत खुश होंगे कि उनको लगेगा कि हेमा ने कितना अच्छा काम किया है हमारे लिए। उनका काम है कहना है ना, विपक्ष है तो थोड़ी अच्छा बोलेंगे मेरे लिए, वो तो खराब ही बोलेंगे। तो ठीक है, उसको हमें काउंटर अटैक करना जरूरी होता है, लेकिन सब प्यार से सब कुछ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। सो मेरे साथ सब दे रहे हैं, मोदी जी का साथ है, उनका मार्गदर्शन है, योगी जी का नेतृत्व है, तभी सारा काम कर पा रही हूँ। जनता के बहुत खूब प्यार मिला है, दे आर ऑल वेरी हैप्पी विथ मी। जितने भी हैं, जितने भी मिले, आप देख लीजिए, सब बड़े प्यार से मिलते हैं। महिलाओं का तो सम्मान मोदी जी दे रहे हैं, और कौन दे रहा है बताइए? किसी और पार्टी ने कभी दिया इतना कुछ सम्मान दे रहे हैं? तो उनको योगी जी से कुछ तो सीखना चाहिए ना सबक, कि कितना अच्छा महिलाओं के लिए कितना कुछ कर कर दिया है इस विकसित भारत में। तो विकसित भारत में महिलाओं का साथ होना बहुत जरूरी है, वो जानते हैं, इसके लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं, तो उनसे कुछ सीख मिलना चाहिए।